हेलो स्टूडेंट्स, आपकी मैथ्स में हम आपकी चैप्टर 4 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें देखते हैं चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है ये है, राइट डाउन 4 मल्टीप्लस ऑफ गिवन नंबर्स। मतलब आपको जो यहाँ ये डिजिट हमें नीचे दी जो दी गई हैं इनके 4 मल्टीपल्स हमें लिखने हैं। मल्टीपल्स का मतलब है जो आप टेबल जैसे लिखते हो ना, तो टेबल में आगे जो मल्टीप्लाई करते करते इनमें आते हैं नंबर्स, वो हमें यहाँ लिखने हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट वाला जो है ये हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इधर देखिए मैंने क्या है आंसर फर्स्ट, इसमें फर्स्ट वाला 4, तो हमें 4 के 4 मल्टीपल लिखने हैं। अब इसमें हमें जो आपका पहला वाला है ये मल्टीपल तो हमें दिया गया है, 4 मल्टीप्लाई 1 4, ये तो हमें दिया गया है। तो इसके बाकी बचे हुए 4 मल्टीपल हमें लिखने हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके लिए जैसे 4 की टेबल लिखते हैं ना, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। ये हमारे 4 मल्टीपल्स हो गए 4 के, जो 4 के टेबल में आते हैं, 8 12 16 20। बाकी क्वेश्चंस इसके ये सेकेंड थर्ड और फोर्थ आप लोग खुद करें। आगे हैं क्वेश्चन 2, टिक ओनली द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। कि यहाँ हमें जो ये नंबर्स दिए गए हैं उसमें से उनकी टेबल में जो इधर नंबर दिए गए हैं उनमें जो आता है ना उसे हमें राइट टिक करना है। तो इसका भी पहले वाला मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमने लिया 3, अब यहाँ पे उसके सामने डिजिट लिखे हुए हैं 5 9 3 13 18। तो 3 के टेबल में 5 आता है क्या? नहीं आता है। 3 की टेबल में 9 आता है तो उसे हम टिक करना है हमें। 3 के टेबल में 3 भी आता है इसे हमें